राहु का ट्रांजिट 30 अक्टूबर 2023 में मीन राशि में होगा। यह गोचर राहु का मीन राशि में 18 मई 2025 तक रहने वाला है। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों को इस ट्रांजिट का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, कौन सी राशि को लाभ होगा, कौन सी राशि को नुकसान होगा और क्या सावधानी रखनी चाहिए प्रत्येक राशि के लिए, वो हमने इस एपिसोड में बताया है। इससे पहले भी हमने सभी 12 राशियों के लिए राहु का क्या प्रभाव रहेगा वो हमने वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। दोस्तों, यहां पर जो हम चर्चा करने वाले हैं वो राहु और केतु, थोड़ा सा जब हम गोचर की बात करते हैं इस वीडियो को, मैं आपको जो लोग सीखने वाले हैं, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं या जिनका इंटरेस्ट है, तो राहु और केतु के नाम से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि राहु और केतु जो प्लैनेट है वो भी अन्य 7 जो प्लैनेट्स हैं उनकी तरह ही होते हैं। राहु और केतु का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली के अनुसार होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु की पोजीशन बहुत अच्छी है तो आपको इससे हमेशा लाभ होगा, और यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु खराब है तो उससे नुकसान होने के ज्यादा चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं, मैं सीधा आपको बोर्ड पर लेकर आता हूं। ये राहु जो है यहां पर अभी 30 अक्टूबर को मीन राशि में आएगा, और जब हम केतु की बात करते हैं, केतु हमेशा यहां से इसके बिल्कुल सामने होता है, इनके अपने से 7th हाउस में होता है। तो राहु जो होगा मीन राशि में होगा और केतु जो होगा कन्या राशि में होगा। मैं यहां पर आपको ब्रीफ में दोनों के बारे में बताना चाहूंगा। राहु जो होता है, राहु की जो प्रॉपर्टी होती है थोड़ी स्लो होती है, और ये जो प्लैनेट होता है बहुत इंटेलिजेंट होता है, और जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर राहु शुभ परिणाम दे रहा होता है तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, रिसर्च वाले लोग होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट इनको हम बोलते हैं, और वो नई नई जो रिसर्च होती है उसको डेवलप करने में लगाते हैं। आज के जमाने के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर साइंस है, इसमें जैसे नई नई टेक्नोलॉजी अभी आ चुकी है, तो जैसे AI की टेक्नोलॉजी है, या इससे भी बायोटेक्नोलॉजी है, या फिर अभी और बहुत सारी जो मैं कहूंगा कि जो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से रिलेटेड चल रही है वो सब राहु के अधिकार में आती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु और बुध का कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि बुध जो होता है वो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, और राहु और बुध का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या जो भी लाइफ को इजी करने में आसान चीजें बनाने का जो रोल होता है वो राहु का होता है। दूसरी बात, राहु से जो रिलेटेड पर्सनालिटी होती है ऐसे लोग हमेशा गंभीर मिलेंगे, ऐसे लोग हमेशा कोई ना कोई नई रिसर्च करने वाले होते हैं, और जीवन के अंदर वो हमेशा औरों से अलग होते हैं। आज के युग में ज्यादातर जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस होते हैं, मेरा जो अनुभव है, मैंने क्योंकि मैं 90 से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, लगभग मुझे आप समझ सकते हैं 90 से कर रहा हूं तो अभी 23 आ गया, तो लगभग 34 इयर्स के आसपास हो गए हैं। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किए हैं, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनकी जन्म कुंडली के अंदर राहु पॉजिटिव होता है और उनको सपोर्ट कर रहा होता है। दूसरी ओर जो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, उनके जो CEOs होते हैं या उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो भी राहु से प्रभावित होते हैं और राहु उनका शुभ होता है।
जो लोग विदेशों में काम कर रहे होते हैं, यानी कि अपने, मैं कहूंगा कि अपने देश से बाहर काम कर रहे होते हैं, नाम कमा रहे होते हैं, उनका भी राहु बहुत अच्छी पोजीशन में होता है। यदि हम वेल्थ की बात करें तो वेल्थ के मामले में राहु क्या करता है, हमेशा जब भी पैसा देता है तो अचानक पैसा देता है, अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपने कल्पना नहीं की होगी, इस तरह से आपके जीवन में राहु आपको पैसा ला देता है। इसी के साथ साथ राहु का यदि आपकी जन्म कुंडली में दुष्प्रभाव है, यानी कि नेगेटिव है, तो यही राहु आपने जो पैसा इकट्ठा किया है अचानक वो किसी भी रूप में वो उस पैसे को बिल्कुल समाप्त भी कर देता है। यदि या तो राहु अशुभ आपकी जन्म कुंडली में है, या राहु का गोचर अशुभ आ जाए, या राहु की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या महादशा यदि अशुभ आ जाए, तो भी ये राहु जो भी आपने जीवन भर कमाया है, चाहे वो किसी भी, मतलब कितना भी पैसा आपने कमाया है, धन दौलत मान सम्मान, वो सब बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाता है। यदि हम बात करें हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी राहु व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुभ होता है तो ऐसे लोग पहले से ही भाव जाते हैं कि उनको कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, किस तरह की बीमारियां जीवन में, या कब कब उनको क्या समस्याएं आ सकती है, तो उनको एक इंट्यूशन उनके जीवन में रहता है कि वो पहले से ही सावधान हो जाते हैं और वो बीमारी उनको ना हो उसका प्रिकॉशन पहले से ही लेना शुरू कर देते हैं। यदि हम बात करें राहु यदि अशुभ होता है जन्म कुंडली में और यदि बीमारी देता है तो फिर वो गंभीर बीमारियां देता है। ऐसी बीमारियां जो छुपी हुई बीमारियां होती हैं, लंबे समय तक चलने वाली होती है, उसमें आदमी काफी, मैं कहूंगा कि लंबे समय तक बीमार रहता है, और ये राहु जो होता है बहुत डिस्टर्ब करता है यदि राहु जन्म कुंडली में अशुभ है। यदि हम बात करें कि राहु से रिलेटेड जो प्रोफेशन होते हैं, मैंने पहले भी बताया, पॉलिटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आध्यात्म से रिलेटेड, ये सब राहु के क्षेत्र में आते हैं। तो ये राहु यदि आपकी जन्म कुंडली में शुभ है तो शुभ देगा, अशुभ है तो अशुभ देगा। अब हम बात करते हैं केतु के बारे में। केतु जो प्लैनेट है वो भी व्यक्ति को अचानक देता है, और केतु जो है वो वैराग्य का प्लैनेट है। ये जहां भी जन्म कुंडली में जिस घर में बैठ जाएगा वहां से वैराग्य लगा देगा, यानी कि आपको मन उच्चाट कर देगा, आपको वहां से, मतलब आपका मन नहीं लगेगा। और केतु से जो रिलेटेड लोग होते हैं वो हमेशा परिस्थितियों से भागते हैं, डरते हैं, और उनकी जो बातें होती हैं, ऐसे कि लोगों की बातों पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। उसका कारण जो सबसे बड़ा ये है कि ऐसे लोग हमेशा अपने विचारों को बदलते रहते हैं। और यदि जन्म कुंडली में केतु अशुभ है तो ऐसा उनके जीवन में अक्सर देखा जाता है, और ऐसे लोगों का जीवन हमेशा डिस्टर्ब रहता है। इसके विपरीत यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु शुभ है तो ये आपके जीवन में सारे वैभव, सुख, समृद्धि, धन संपदा इसकी प्राप्ति भी कराता है। केतु वाला व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है, दान पुण्य करने वाला होता है, लोगों की हेल्प करने वाला होता है, और ऐसे व्यक्ति जीवन के अंदर जहां भी रहते हैं वो हमेशा सर्वोच्च पद प्राप्त करते हैं, यानी कि हाईएस्ट उनके, मतलब मैं कहूंगा या तो वो लीडरशिप में होंगे तो नंबर वन होंगे, या जिस भी क्षेत्र में होंगे तो ऐसे लोग नंबर वन पर रहते हैं। तो दोस्तों, केतु का जो प्रभाव है वो जीवन में बहुत ही अचानक लाता है। दूसरी ओर केतु से संबंधित बिजनेस क्या किया जाए, बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि उनकी जन्म कुंडली के अंदर, जैसे मैंने अलग से वैसे 12 वीडियोस बनाई हैं सभी राशियों के लिए, कि आपको अपनी राशि के अनुसार कौन सा प्रोफेशन सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा, आप वो भी हमारे YouTube चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं।
केतु से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं वो छुपी रहती हैं। ऐसे लोगों को बीमारियों का एकदम लास्ट में पता चलता है, जब तक बीमारी इलाज हो जाती है, या फिर मैं कहूंगा कि वो बीमारी जीवन भर लगी रहती है। तो दोस्तों, ये मैंने यहां पर आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या मैं कहूंगा डिटेल्स में यदि आप जानना चाहते हैं, तो हमने राहु का जो ये ट्रांजिट है इसके बारे में मेष राशि से लेकर मीन राशि तक क्या प्रभाव पड़ेगा उनके लिए अलग से वीडियोस बनाई है, उनका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक डाल दूंगा। आप अपनी राशि के अनुसार जाकर देख सकते हैं कि राहु का ये जो ट्रांजिट है आपके लिए क्या परिणाम लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, राहु केतु या कोई भी प्लैनेट है, इनसे डरना नहीं चाहिए, लेकिन इनसे हमें एक तरह से मैं कहूंगा कि गाइडेंस लेनी चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए कि हमारी कौन सी ग्रह दशा चल रही है। उससे हमें लाभ ये होता है कि हम परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेकर आगे बढ़ें और जीवन में सफल हो। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और हां, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और अन्य मित्रों को भी शेयर करें। दोस्तों, यदि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप टॉपिक लिखें, आपकी कौन सी राशि है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो वो सब हमें आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। आपकी समस्या का समाधान आपकी जन्म कुंडली के अनुसार हमारी टीम आपको बहुत जल्द बताएगी। आज के लिए केवल इतना ही। नमस्कार।